अहिर रेजिमेंट हक हमारा, अहिर रेजिमेंट हक हमारा, अहिर रेजिमेंट हक हमारा। जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव, अहिर रेजिमेंट हक हमारा। हर वीरों की यही नारा है, हर वीरों का एक ही नारा है, जय यादव। तो गए आप कितना ना बना रहा है ना। निकलेगा किधर से? इधर से ही ना। हाँ अंदर ऊपर से ठीक बोल रहा है, यहीं से निकाल दीजिए। गांधी जी दिखाई ना, आप लोग घूमने आए हैं। देखिए अहीर कोई जाति नहीं है, पहले आप समझिए। अहीर रेजिमेंट एक लड़ाकू दस्ता, एक अधीर, मतलब कि जो हर पराजय को जीत में बदले। सेंटिमेंट इसका अलग है, पहले बड़ा रेस्पेक्ट, रजला से लेकर के न जाने कई ऐसी बड़ी बड़ी कथा गथा इस रेजिमेंट का रहा है। और उसको लेकर के राजीव जी भागलपुर से पैदल, हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी हर उस वीरों का सम्मान करती है, रेजिमेंट का सम्मान करती है, चाहे वो किसी कोई रेजिमेंट हो, सिख हो, चाहे जाट हो, चाहे राजपूताना हो, कोई भी रेजिमेंट जो देश के मानव निर्माण में जिसकी भूमिका सर्वश्रेष्ठ रही है, उसमें अहीर रेजिमेंट अपने अधिकार और अपने आवाज को लेकर के मजबूती के साथ पूरे देश में लड़ रही है कि आपने हमारे साथ सौतेलेपन का व्यवहार, उनका वो अधिकार और अपने अधिकार को लेकर के ये आवाज उठाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार को, जो इस भारत के हर बड़ी आज़ादी में, हर बड़ी कुर्बानियों में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कुर्बानी निभाई है, उस सही रेजिमेंट को पुनः भारत सरकार रेजिमेंट के रूप में मान्यता दे। देश की आवाम, देश के हर वीर अपने अपने रेजिमेंट को लेकर के जज्बात के साथ आगे बढ़ रहा है और अहीर रेजिमेंट भी अपने अधिकार और अपने जज्बात को लेकर आगे बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार इसको गंभीरता से देखेगी। जब सेना में बाहर भर्ती बंद हो गई, अब भर्ती ही नहीं है, तो रेजिमेंट जिसकी बात हम सब लोग कर रहे हैं, आप सेना में भर्ती नहीं ले रहे। सेना में सबसे ज़्यादा भर्ती होने वाले जाति कौन, धर्म कौन है? या तो देखिएगा आप जाट, गुज्जर, यादव, दलितों में से जो बिल्कुल मिडिल क्लास और अत्यंत पिछड़े के लोग होते हैं, राजपूत, समझ गए? तो ये जो वर्ग है हमेशा से देश के लिए लड़ने का और इंसान के लिए लड़ने का जज्बात रहा है। आप इस दुनिया में जितने इतिहास देखेंगे उसमें दलित, कमजोर, आदिवासियों के इतिहास को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। आप देखिए ना, मूलवासी आदिवासी से लेकर, तो अब सेना में भर्ती नहीं होती है, अब नौकरी मिलेगी नहीं,